Hey guys, welcome back to my channel Alka's World Real Life Real Home। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने ये शब्द बोले हैं, ऐसे मैंने बहुत दिन बाद आज रिकॉर्ड किया है। आप लोग सभी लोग कंसर्न थे कि कहाँ है, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, क्यों मिसिंग हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर कंसर्न एंड लव यू हैव शोन टू मी एंड आई एम वेरी अफेक्शनेटेड बाय दैट। सो या मैं अपने मेरी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मैं अभी तक मिसिंग थी, और या यू बोले मिसिंग यूट्यूब पे मैंने अवेलेबल नहीं थी। मैंने 4 साल का करियर ब्रेक लिया था, और जिसे मैं बहुत मिस करती थी अपनी फुल टाइम जॉब को। मुझे मज़ा आता था जो मैं बहुत एंजॉय करती थी उस चीज़ का। मैंने फिर से अपना करियर स्टार्ट किया है, और ऑलमोस्ट 2 महीने पहले वो भी स्टार्ट किया है जॉब अपना, फिर से ही उसको लाइफ को एडजस्ट करने में, उसके साथ सारे एक फुल टाइम वर्क करने में और घर से वर्क करने में वर्क फ्रॉम होम से काफ़ी डिफरेंस होता है। काफ़ी लाइफ को थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट करने पड़ते हैं, फैमिली का टाइम भी एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने भी बहुत सारे चेंजेस किए और उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करने की। नाउ आई एम वेरी मच सेटल विद माई जॉब एंड होम, सो आई एम बैक टू यूट्यूब एंड दिस वॉज द थिंग आई वॉज एंजॉइंग वेरी मच ड्यूरिंग माई करियर ब्रेक। सो यस, आई एम नाउ बैक विद माई कंटेंट एंड मैं कोशिश करूँगी कि महीने में कम से कम 3 वीडियोज़ तो ज़रूर लेके आऊँ। वैसे तो टारगेट कर रही हूँ कि वीक में 1 वीडियो ज़रूर करूँ, बट आई एम नॉट कमिटिंग मच एट द मोमेंट। सो अभी सिर्फ 3 वीडियोज़ कम से कम प्लानिंग। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं जो है मेरी दिवाली शॉपिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी दिवाली शॉपिंग कुछ टिप्स और क्या मैंने किया है शॉपिंग अपने घर के लिए। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में मुंबई में रहती हूँ, तो मैंने यहाँ के अकॉर्डिंग और फेस्टिव थीम के अकॉर्डिंग ही सारा शॉपिंग किया है, और रेंट के अकॉर्डिंग भी रेंटेड घर के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग किया है। जैसे मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में इजीली अकोमोडेट कर पाऊँ, मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि कोई सामान वेस्ट किया मैंने, तो इस टाइप का ही शॉपिंग किया है। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा। ऑलरेडी कई सारे वीडियो चैनल पे हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, और कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, और करते हैं वीडियो के लिए। किसी भी फेस्टिवल के लिए अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो एक थीम ज़रूर डिसाइड करिए। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ एक ट्रेडिशनल तरीका हो सकता है, एथनिक तरीका हो सकता है, लाइक आई वॉज आई एम बहो भी जा सकते हो, और कलर थीम के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। तो इस दिवाली पे मैंने थोड़ा सा फेस्टिव कलर को जो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी बट कभी किया नहीं, इस टाइम पूरा फेस्टिवल कलर जो होते हैं थोड़े वाइब्रेंट थोड़े ब्राइट कलर्स, उसको लेके मैंने पूरा अपना लिविंग रूम का डेकोर डिज़ाइन सोचा है। तो इस बार मैं प्लान कर रही हूँ ऑरेंज थीम के अकॉर्डिंग, ऑरेंज और थोड़ा सा बीच वगैरह क्रीम वगैरह ऑफ वाइट कलर वगैरह उसमें रहेगा, बट मेन जो कलर रहेगा वो ऑरेंज रहेगा। उसके आसपास मैंने अपने सारी चीज़ों को प्लान किया है। ऑरेंज प्लान करने का एक रीज़न था कि फेस्टिव कलर है, दूसरा मेरे पास ऑलरेडी कुछ सामान था, कुछ चीज़ें थी जिसे मैं यूज़ करना चाह रही थी। सो दिवाली है तो बजट तो और ध्यान में रखना चाहिए, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं घर में, तो उन सब चीज़ों को ही दिमाग में रख के अपना प्लान करना चाहिए। तो आप थीम डिसाइड कर लीजिए सबसे पहले टिप, दूसरी चीज़ अपना बजट डिसाइड कर लीजिए, तीसरी चीज़ है कि आप जो चीज़ आपके पास एग्जिस्टिंग है जिन्हें आपने यूज़ नहीं किया या कम यूज़ किया है उनको आप अपने थीम में डेकोर में ज़रूर साथ में रख के प्लान करें। तो और एक चीज़ है, जब भी मैंने जब इस दिवाली के लिए प्लान कर रही थी, तो इस दिवाली की प्लानिंग मेरी लास्ट दिवाली जैसे ही ख़त्म हुई थी तो नेक्स्ट ईयर ही मेरे दिमाग में आ गया था कि हाँ अब मुझे ये थीम रखना है और इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज एक दिन में नहीं लिया है, इसे मैंने धीरे धीरे लिया है, कुछ तो कई 6 महीने पहले ले लिया है, 7 महीने पहले ले लिया, क्योंकि आप जब दिवाली के एंड टाइम पर अगर आप लेने जाएंगे तो आपको हो सकता है वो चीज़ें नहीं मिले पर्टिकुलर, और अगर आप
पहले से प्लान करेंगे तो आपके पास एम्पल टाइम होता है अपनी चीज़ों को लेने के लिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसके बारे में कई बार आप सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप ले सकते हैं। काफ़ी टाइम मिलता है आपको इस सब चीज़ों का। जैसे मैंने ऑरेंज के लिए प्लान किया था, तो ये जो आप बेडशीट देख रहे हैं, ये बेडशीट मैंने कुछ लिया था, ये थोड़ा इसका मेन जो कलर है वो सब ऑरेंज वगैरह में ही है। और ये मेरे पास पहले से, मैंने ऑलमोस्ट 7 मंथ 8 मंथ पहले ले लिया था, ये ऑफर में चल रहा था, बिग आई थिंक ये डीमार्ट से मैंने लिया था और इट वाज ऑन ऑफर, तो मैंने उस सब डीमार्ट के ऑफर में क्लियरेंस रहता होगा तब लिया था। ये सिंगल बेडशीट है एंड इट वॉज ऑनली फॉर 200 रुपीज़ अलॉन्ग विथ 2 पिलो कवर्स। तो सी आपका बजट बहुत सेट हो जाएगा अगर आप पहले से प्लान कर लेंगे। तो मैंने ऑरेंज के लिए लास्ट ईयर ही डिसाइड कर लिया था कि आपके पास मैं ऑरेंज में जाऊंगी, हालांकि मेरा ऑरेंज और मैजेंटा में जाने का प्लान था, बट सिर्फ मैंने इस बार ऑरेंज ही रखा है। तो ये मैं एक बेडशीट लिया है, मैं अभी आपको पहले सारी अपनी सॉफ्ट फर्निशिंग दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया पहले से। ये बेडशीट भी जो कि मैंने, ये डबल बेडशीट है, मुझे 2 बेडशीट लगती है, तो ये डबल बेडशीट है, ये भी मैंने बिग बाज़ार से डीमार्ट से ही लिया था, वहाँ क्लियरेंस सेल जब चल रहा था। तो यू कैन सी इट इज़ जस्ट फॉर 349 ओनली, सो इट वाज ऑन द क्लियरेंस सेल। अदरवाइज आई हैव सीन द सेम बेडशीट बेडशीट इन वेबसाइट और बिग बाज़ार फॉर अराउंड 700 to 800 रुपीज़। इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो ये मेरा बेडशीट का हो गया। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कुछ कुशन कवर, फेस्टिव सीजन था तो मैंने थोड़ा सा इस टाइप का लिया है, ये मैंने डीमार्ट से लिया है एंड ये ऐसे मैंने 3 कुशन लिए हैं। फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा ब्रॉकेट वगैरह यूज़ करना अच्छा लगा मुझे। और ये फैब्रिक मेरे पास ऑलरेडी था मिरर वाला, और इसमें मेरे पास ये फैब्रिक कुछ गिफ्ट वगैरह में आया था, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो उससे मैंने कुछ कुशन कवर बनाए हैं, स्टिच किए हैं उससे। ये होता है थोड़ा सा पहले प्लान करने का। और इसके साथ मुझे अभी अपना लोड कवर, बोशर कवर्स वगैरह जो होता है वो लेना है, वो मैंने नहीं लिया, उसके लिए भी मेरे पास फैब्रिक है, बस मुझे उसको किसी दिन स्टिच करना है बस। और इस टाइप के मैंने 3 कुशन कवर स्टिच किए हैं और ये मिक्स एंड मैच हो जाएंगे। ये सारा मेरा ऑरेंज में गया है और इस शायद स्टेशन के पास से कहीं लिया था। ये भी सिंस मेरा ऑलरेडी बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, ये भी ऑरेंज और ग्रे और बीज वगैरह को लेके ही है, तो ये ओनली 90 रुपीज़ और समथिंग कुछ इसके 90 रुपीज़ था आई थिंक, मैंने स्टेशन से ही लिया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सिंस मेरे पास ऑलरेडी दिमाग में थीम चल रहा था, इसको लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ हो चुका है, बट थीम मेरे दिमाग में था तो मैंने ले लिया। ये सारे जो तरीके होते हैं इससे आप काफ़ी बजट में अपना डेकोर का चीज़ अचीव कर लेते हैं और आपको ऐसा कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, तो एंड टाइम पे आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी डेकोर को मैंने इतना एक्सपेंस कर दिया है। बजट ऑलवेज देयर, बट यस आप थोड़ा सा पीसेज में लेंगे, थोड़ा बैचेस में लेंगे तो आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली हो गया। तो ये सारी जो फर्निशिंग ऑरेंज कलर में आपने देखा है ये सब मैंने लिया है और लिविंग रूम के लिए अपने। उसके बाद कुछ मैंने इस टाइप के कर्टन्स जो हैं ऑरेंज कर्टन्स, ऑरेंज और बीच कलर के कर्टन्स, ये मैंने अमेजोन से अभी मंगवाए हैं जब अभी यहाँ सेल चल रही थी, तो इसकी लिंक्स और इसके प्राइस डिटेल्स वगैरह सब आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये सारा ऑरेंज वाला जितना भी फर्निशिंग था ये सब मेरा लिविंग रूम के लिए था। और इसके बाद अभी आपने जब मेरा बेडरूम मेकओवर देखा होगा तो मैंने एक येलो बेडशीट उसमें सॉलिड यूज़ किया था, तो उसके वो एक कॉम्बो मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो येलो और ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ आया था, तो मैंने सोचा उसी बेडशीट मेरे पास वो नहीं रखी है तो उसी को यूज़ करूँगी, कर्टन्स वगैरह ऑलरेडी हैं तो उसी को मैं यूज़ करूँगी। बस उसके अकॉर्डिंगली मैंने थोड़े से ये कुशन कवर्स और लिए हैं। इफ़ यू कैन सी सिर्फ ये कुशन कवर मैंने बेडरूम के लिए लिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया है, जो भी मेरे पास है एग्जिस्टिंग उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने 3 to 4 लिया है, मैंने ऐसे बेडरूम में मुझे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 लगते हैं कुशन कवर, बट मैंने पूरा 5 ले लिया है।
बिल्कुल, इसका रीज़न ये था, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको सारी डिटेल मिल जाएगा स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका रीज़न था पांचों का लेने का कि सो दैट मैं कभी मिक्स एंड मैच लिविंग रूम में भी करती हूँ तो उसमें भी यूज़ हो जाएगा ये। और लिविंग रूम में मुझे ज़्यादा लगते हैं कुशन्स तो इसलिए मैंने सारे ले लिए। और लिविंग रूम के अलावा एक डबल बेडशीट के अलावा मुझे सिंगल बेडशीट भी लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने ये भी डीमार्ट से लिया था। और ये बेडशीट काफ़ी अच्छी है उसी को मिक्स मैच करने के लिए, तो ये भी मुझे ओनली 199 का था, ये भी सिर्फ डीमार्ट से लिया था। ये सारा मैंने क्लियरेंस है जब डीमार्ट का निकलता है बेडशीट का तब लिया था। ऑलमोस्ट यही सेम चीज़ वो 250-300 में सिंगल बेडशीट का ये रहता है उनका। बेडशीट के मामले में अभी तक मेरा डीमार्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बट जब आप वहाँ पर ले रहे हैं तो काफ़ी उसको थोड़ा मटेरियल वगैरह आपको नॉलेज है तो सब चीज़ें ध्यान में रख के लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी बेडशीट्स मिल जाएंगी। और मैं हमेशा ज़्यादातर प्रिफर करती कॉटन बेडशीट लेना तो उसमें मुझे इजीली वहाँ पे अच्छा स्टॉक मिल जाता है। एंड ये सारा मेरा हो गया सॉफ्ट फर्निशिंग। उसके अलावा मैंने अमेज़ोन से कुछ डेकोर आइटम मंगवाए हैं, कुछ मैं यहाँ पे लोकल मार्केट है वहाँ से लिया था, क्रॉफर्ड मार्केट करके यहाँ पे है वहाँ से मैंने लिया था इस टाइप का फेक प्लांट्स वगैरह रखने के लिए। ये मैंने लिया था क्रॉफर्ड मार्केट से 50 रुपीज़ ईच, वहाँ पे और बार्गेन करती तो शायद और मुझे कम में मिल जाता बट मैंने स्ट्रीट वेंडर से मुझे ज़्यादा बार्गेन करना पसंद नहीं है तो ये 50 रुपीज़ ईच का मुझे ये प्लांट्स मिले। वहीं क्रॉफर्ड मार्केट से ही मैंने एक छोटा सा टेबल रनर लिया था इस टाइप से, ये भी मैंने क्रॉफर्ड मार्केट से लिया था आई थिंक 100 रुपीज़ का। एंड ये इसलिए मुझे पसंद आया था क्योंकि मेरा टेबल जो है सेंटर टेबल है वो छोटा है काफ़ी, तो उसके साइज़ का मुझे मिलना बहुत कम हो पाता है टेबल रनर, तो ये मुझे फटाफट मुझे थीम के अकॉर्डिंग मिला तो मैंने ले लिया। इसके अलावा मैंने यहीं कोलाबा कॉजवे मार्केट है मुंबई में वहाँ से मैंने ये रशियन डॉल लिया था। ये इसके अंदर ऐसे ही खुलता जाता है, ऐसे 5 आपको मिलेंगे इसके अंदर, खुलते जाऊंगी तो काफ़ी नेस्टेड है इसके अंदर, एक के अंदर एक करके 5 ऐसी डॉल्स है, लाइक 1, 2 फिर इसके अंदर से 3, इस टाइप से ऐसा 5 डॉल्स है इसका। बहुत प्रिटी लगा। और ये विंग चाइम भी मैंने कोलाबा मार्केट से ही लिया था, आई थिंक 180 समथिंग आई थिंक इतना ही है, मुझे जैसे अभी जो भी स्क्रीन पे मैं अभी मैं कंफर्म करके आपको स्क्रीन पे डालूँगी, आई थिंक 180 रुपीज़ का था समथिंग। एंड जो रशियन डॉल मैंने आपको दिखाई थी वो भी 150 का वन चार्म था और 180 की रशियन डॉल्स थी। तो ये सब मैंने साथ में कोलाबा मार्केट से लिया था यहाँ का। मैं हमेशा आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप चीज़ें लें तो अपने ऑनलाइन जाने से पहले लोकल मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लें, आपको कई सारी डिफरेंट वैरायटी मिलेगी जो इधर का फेमस मार्केट है। एक बार साल में एक आध बार आप ट्राई करें वहाँ पे जा पाएँ और कुछ इस टाइप की चीज़ें जो थोड़ी सी अलग मिलती है आपको ऑनलाइन ईजिली नहीं मिलेगी, या मिल भी जाएगी तो वो रेट्स पे नहीं मिलेगी, तो आप अपने लोकल मार्केट को ज़रूर एक्सप्लोर करिए और देखिए आपको क्या वहाँ से ले सकते हैं। ऐसे कोलाबा मार्केट में जैसे और क्रॉफर्ड मार्केट में कई सारी चीज़ें थी बट मुझे वो इतना क्राउडी और इतना बहुत दूर है मेरे घर से कि मैं हमेशा जा नहीं पाती हूँ, तो इतना ही लिया था मैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी नहीं करती हूँ कि वेस्ट हो। तो तीसरी एक चीज़ ली है मैंने ये छोटी सी क्लॉक अपने डेस्क के लिए, ऑफिस डेस्क के लिए, सिंस आई हैव होम ऑफिस आल्सो सो उसके लिए मैंने यहाँ डेस्क पे रखने के लिए अपने एक क्लॉक लिया है। ये मेटलिक में है, ये मैंने अमेजोन से सेल के टाइम पे ही लिया था। तो एक ये चीज़ हो गई। अब की बार मैंने ट्राई किया है कि मैं होम सेंटर से कुछ नहीं लूँ बिकॉज होम सेंटर जा जा के बोर हो गए हैं, सेम स्टॉक मिलता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलता है और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा प्राइजी भी हो गया है। इस टाइप के कुछ मिरर स्टिकर लिए हैं, आई डोंट नो कि आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको मैं लगाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी वॉल पे ये कैसा लग रहा है एग्जैक्टली लगाने के बाद। ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था। उसके अलावा मैंने कुछ
फ्रेम्स लिए हैं मोटिवेशनल कोट्स के, ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे मुझे सेल में मिले अमेज़ॉन पर, तो मैंने इसे ले लिया। ये 190 के 3 मुझे सेल टाइम पे मिले थे, अभी मैंने इसका रेट चेक किया है तो 330 समथिंग कुछ था, 330-340 समथिंग। तो ये जो तीनों फ्रेम्स हैं ये इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, बट ये मैंने अमेज़ॉन से सेल के टाइम पर लिया था। इसके अलावा मैंने और भी कई चीज़ें ली हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके अलावा एक 3 फ़ोटो फ्रेम्स और लिए हैं, ये सेट ऑफ 3 है, लाइक यू कैन सी, सॉरी दिस काइंड ऑफ फ्रेम इट इज़, साइज इज दिस, दिस इज़ अ काफ़ी अच्छा मटेरियल है, टेबल टॉप के लिए, हैंग करने के लिए नहीं है, बिकॉज बींग अ रेंटर आई कैन नॉट हैंग दिस मच फ्रेम्स। तो या ये सेट ऑफ 3 है, 1, 2 and 3। अब मैंने एक शेल्फ ऑर्डर की है अमेजोन से, जो ऐसी इस टाइप के पीसेस में आई है, इसको मैं असेंबल करूँगी और लगाऊंगी। इसका एक्चुअल पिक्चर कैसा है, ये असेंबल होने के बाद कैसे लगेगी, आपको स्क्रीन पे कहीं फ़ोटोग्राफ मिल जाएगा। और इस तरह से इसको असेंबल करूंगी, इसी पे बहुत सारा मेरा डेकोर आइटम है इस बार मैं अरेंज करने वाली हूँ। और आने वाले वीडियोस में आपको मैं अपना किस तरह से ये सारा आइटम को मैंने यूज़ किया है अपने घर में, अपने घर पूरा मैं आपको एक वीडियो देने वाली हूँ बहुत जल्दी। और दिवाली से पहले ही आपको एक लिविंग रूम का और बेडरूम का व्यू मिल जाएगा कि किस तरह से मेरा ये दिवाली डेकोर मैंने अरेंज किया है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अरेंज करना है। आई वॉज वेटिंग कि मैंने अमेज़ॉन से सेल के टाइम पे जितना भी चीज़ें ऑर्डर किया है वो सब आ जाए, उसके बाद ये वीडियो शूट करूँ। सेम सब सारा सामान आ गया है मेरे पास और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जल्दी ही आपको ये सब कैसी चीज़ें मैंने यूज़ की है वो वीडियो देखने को मिलेगा। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इतने दिन से मैं कहाँ गए थी, इन सब चीज़ों का रिप्लाई आपको मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी सभी का रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।